जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फौजी मेहता अकेडमी में। दोस्तों आज का ये वीडियो स्पेशली मैं बना रहा हूँ, जो मेरा पिछला वीडियो था कि SSC GD में आपकी फर्स्ट चॉइस क्या होनी चाहिए 2021 में, इस बात का आप ध्यान रखें। तो उस पर कई लोगों ने मेरे को बोला कि सर हमारी फर्स्ट चॉइस ये होगी, हमको कैसे फर्स्ट चॉइस मिलती है कैसे नहीं मिलती, तो आप एक बार इस पर भी वीडियो बना दीजिए कि फर्स्ट चॉइस मिलती कैसे है, सेकेंड चॉइस कैसे मिलती है, थर्ड चॉइस कैसे मिलती है, उनका क्या डिफरेंस होता है। तो आज के इस वीडियो में हम इन सभी के बारे में बात करने वाले हैं कि फर्स्ट चॉइस कैसे मिलती है, किस पे आधार पे आपको सबसे ज़्यादा अंक पे कौन सी फोर्स मिलेगी और सबसे कम अंक पे कौन सी फोर्स मिलेगी। तो दोस्तों इसे पहले बता दूं कि जो मैथ और रीजनिंग के जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं वो मेरे वीडियो मैथ और रीजनिंग के सभी टॉपिक में धीरे धीरे वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन दो चार टॉपिक भी बनाएं तो आप एक बार जाके ज़रूर विजिट करें, वीडियो देखें जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब बात करते हैं कि आपको फर्स्ट चॉइस आपकी क्या होनी चाहिए और कैसे मिलती है फर्स्ट चॉइस क्या होनी चाहिए, इस पर तो मैंने वीडियो बना दिया जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हो कि आपकी फर्स्ट चॉइस SSC GD में क्या होनी चाहिए, लेकिन कैसे मिलती है। अब जैसे कि आपके सबसे पहले डिपेंड करता है नंबर, मतलब अगर आपके ज़्यादा नंबर है तो आपको जो मांगोगे वो मिल जाएगी। कैसे कि अगर मान लो कि आपके नंबर मान लो 90 नंबर है और मेरिट गई है 80 पर, तो 90 नंबर यानी आपके तो बहुत ज़्यादा नंबर है मेरिट के बाद में, तो आपकी जो फर्स्ट चॉइस रहेगी, मतलब आप जिसको पहले फॉर्म भरते समय आपने लिख दिया CRPF तो आपको CRPF मिल जाएगी। आपने सबसे ऊपर एक नंबर पे लिख दिया BSF, आपको BSF मिल जाएगी, जो आप लिखोगे वो मिल जाएगी। यानी अगर आप में टैलेंट है तो सबसे पहले आपकी, अब कि आपको फर्स्ट चॉइस कौन सी लेनी चाहिए इसके बारे में मैंने बता दिया कि आपको फर्स्ट चॉइस कौन सी लेनी चाहिए। अब बोलते हैं कि सर फिर लास्ट वाली चॉइस कैसे मिलती है कैसे नहीं मिलती। अब मान लो कि मेरिट गई है 80 पे और आपके नंबर ही 80 है, मतलब सबसे नीचे कैटेगरी में आप ही हो, बस आप बच्चे बच्चे और लग गए नदी में पार, आप यानी आपकी किस्मत आपको बैठा तो दिए हैं नदी में, नाव में, तो मतलब डूबे नहीं आप। तो अगर 80 पे मेरिट गई, 80 पे आप हो, तो फिर आपको फर्स्ट चॉइस यानी आपके मान लो BSF चूज़ किए तो ज़रूर नहीं आपको BSF ही मिले। क्यों? अगर BSF में मान लो 5000 पोस्ट है और 5000 उसको पहले ही बंदे जो आपसे ज़्यादा नंबर वाले उन्होंने चूज़ कर ली तो उनको मिलेगी, आपको नहीं। फिर क्या होगी, BSF नहीं मिलेगी। फिर आपकी सेकंड चॉइस मान लो अगर आपकी सेकंड चॉइस CRPF है और उसमें भी ऐसा हो रखा तो वो भी नहीं मिलेगी। थर्ड चॉइस मान लो अगर आपकी SSB है और SSB में अगर सीटें खाली है, मतलब SSB के चुनने वाले जो लड़के हैं वो सिर्फ आपकी कैटेगरी के ही है, तो फिर आपको SSB मिल जाएगी। तो इस प्रकार से ये मिलती है। तो सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है इन पर नंबर, नंबरों के आधार पर ये सीटें मिलती है दोस्तों। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाओगे तो आपको SSF, NIA, CISF, SSB, CRPF, BSF, ITPP, इनमें से जो भी आप फर्स्ट चॉइस चूज़ करोगे वो मिल जाएगी। इसीलिए तैयारी शुरू कर दीजिए दोस्तों। जय हिंद।